रास्ता पथरीला हमेशा मिला मुझे, पर मंजिल ढूंढने में मुझे कभी थकान नहीं लगती। कुछ कर गुजरने की इच्छा हमेशा दिल में रही मेरे, इसीलिए मेहनत जैसे शब्द से मुझे थकान नहीं लगती। इसीलिए मेहनत मुझे कभी परेशान नहीं करती। वक्त बर्बाद ना हो हमारा, एक पल भी बर्बाद ना हो हमारा, इसीलिए मुझे कोई भी बेकार चीज बेकार नहीं लगती। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए मैं भावना जोशी आप सभी के समक्ष लेकर आ रही हूँ एक नई क्रिएटिविटी, और इस नई क्रिएटिविटी के थ्रू मैंने कोशिश करी है कि कोई खूबसूरत चीज आपके समक्ष लेकर आऊं, और इस सफर में सबसे ज्यादा योगदान आप सभी का है। आपके व्यूज, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और इस सफर में मेरा साथ दीजिए। तो चलिए आज देखते हैं एक नई क्रिएटिविटी। ये देखिए, ये है एक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, और ये है एक बिजली की माला, दिवाली में यूज होने वाली, लेकिन ये अब फ्यूज हो चुकी है, इसके बल्ब फ्यूज हैं, तो ये बन गई है टोटली वेस्ट मटेरियल, एंड दिस वन इज आल्सो वेस्ट मटेरियल। नाउ वी कैन यूज दीज बोथ आइटम्स टू चेंज दिस कंटेनर इनटू प्लांटर। इस कंटेनर को हम प्लांटर के रूप में चेंज करेंगे, और इसके लिए मैंने सोचा है कि हम इसको एक बास्केट का फॉर्म देंगे, द बास्केट विच इज फुल ऑफ फ्लावर्स। ये आपके नीचे से आर्टिफिशियल फ्लावर, और ऊपर से हम इसमें रियल जो प्लांट है वो ग्रो करके इसको कन्वर्ट करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बास्केट। और इसके लिए इसे हम हैंडल के फॉर्म में ही रहने देंगे, ये जो हैंडल है इसको हम एज ए हैंडल ही रहने देंगे, और इससे जितना भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हॉट नाइफ या कटर, कटर या नाइफ की हेल्प से हम इसको कट करेंगे, और एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा प्लास्टिक जितना भी है इसको हम कट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। हम किस शेप में इसको दे रहे हैं, किस तरह से, जैसे ये सिंपल है इसको हम इस तरह से भी कट कर सकते हैं, तो ये डिजाइन हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड रहेगा कि हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करें। तो अपर पार्ट हम इसका कट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डेकोरेट दिस कंटेनर एंड चेंज इट इनटू अ वेरी नाइस अट्रैक्टिव। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंटेनर को मैंने इस तरह से काट लिया है बाय विच इट बिकम द हैंडल ऑफ बास्केट। अब हम इस पोर्शन को और नीचे पोर्शन को डेकोरेट करेंगे। क्लियर, हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये देखिए, और इसके साथ साथ ही ये वेस्ट मटेरियल है। अब इससे हम डेकोरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश, जैसी भी हमारी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसको ग्लू गन से, इसके जो फ्लावर हैं पुरानी मालाओं के, उससे हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करके आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको पूरी कंप्लीट। ये देखिए, कुछ एक्स्ट्रा जो फ्लावर हैं उससे और ग्लू गन की हेल्प से पहले मैं इसके हैंडल को डेकोरेट कर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हैंडल। अब हम इसके नीचे की ओर को मूव करेंगे। हम कितना ही डेकोरेशन में कोई भी आपकी लिमिट्स नहीं है, आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग बहुत सारी डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको हम यहाँ पर, ये देखिए इससे हम इस तरह से, और उसके बाद हम नीचे की ओर मूव करेंगे, और फिर ये पूरी बन जाएगी बहुत ही खूबसूरत आपकी फ्लावर बास्केट। मैं इसको हम नीचे की ओर मूव कर रहे हैं और इसको बहुत खूबसूरत बनाने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बास्केट का फॉर्म बन गया है। इस
इसमें से जो हैंडल इस साइड था उसको भी मैंने कट कर दिया, बाय विच इट बिकम वेरी इजियर टू कैरी। और अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, और ये बनने जा रही है एक बहुत ही खूबसूरत बास्केट प्लांटर। अब हम इसकी कंप्लीट डेकोरेशन करेंगे बाय विच दीज वेस्ट मटेरियल। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुकी है एक बास्केट प्लांटर, बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो ये पुरानी मालाओं के फ्लावर्स हैं, इनको ग्लू गन से स्टिक कर दिया है। अब इसमें मैं बोने जा रही हूँ कोई भी प्लांट, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका कंप्लीट लुक कि किस तरह से ये आपके बहुत ही अट्रैक्टिव बास्केट प्लांटर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुकी है मेरी फ्लावर बास्केट प्लांटर, और इसमें मैंने लगा दिए हैं स्नेक प्लांट, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, चारों ओर से जो बनी है टोटली वेस्ट मटेरियल से। जो माला हमारे घर में पुरानी हो जाती है उनके फ्लावर्स को चुन चुन कर उसी से इसे डेकोरेट किया है। और डेकोरेशन में आप अपनी इमेजिनेशन भी यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत बास्केट प्लांट।